दोस्तों, रेडिच वो जगह का नाम है इंग्लैंड का जहाँ से ब्रांड रॉयल एनफील्ड ओरिजिनेट हुआ था। और उस रेडिच कलर रॉयल एनफील्ड में पहले ही आया हुआ था, ब्लैक, स्काई ब्लू एंड रेड। और मैं आज उस रेडिच कलर का जो एबीएस मॉडल नया आया है, रेडिच क्लासिक विद ड्यूअल चैनल एबीएस, उस मॉडल का मैं आपके सामने रिव्यू रखूंगा। और दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 वो मॉडल है जिसका सेल सबसे ज़्यादा है, जो पब्लिक में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड ये जो बाइक है, ये रॉयल एनफील्ड को अपने इंडियन मार्केट में नाम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सेल्स फिगर्स दिया है एंड इस बाइक का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, अभी इसमें ड्यूअल चैनल एबीएस ऐड कर दिया गया है एंड पहले जो रेडिच वर्जन आता था उससे इसका जो डिफरेंस है वो बस एबीएस में ही है। और एबीएस के एक इंडिकेटर आपको मीटर कंसोल में मिल जाएगा, इसके अलावा और कोई भी मैकेनिकल चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और जो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुआ है वो अराउंड 6 to 7,000 रुपीज़ है। अब जो क्लासिक मॉडल है वो तो पहले से ही बहुत ही पॉपुलर था इंडियन मार्केट में और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही डिज़ाइन, वही सब कुछ इसमें रखा गया है। ये मैं स्काई ब्लू का रिव्यू कर रहा हूँ, इसके अलावा भी आपको रेड एंड ग्रीन कलर में ये बाइक मिल जाएगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं एबीएस ड्यूअल चैनल का यहाँ पे सॉकर पर आपको एक स्टिकर मिल जाएगा एंड एबीएस के रिंग्स भी आप देख सकते हैं। एबीएस से बाइक का जो ब्रेकिंग है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है एंड बाइक आपका अंडर हार्श ब्रेकिंग स्किड नहीं करता। फ्रंट में आप देख सकते हैं डीसी 55/60 वॉट का एक हेडलैम्प दिया गया है विद ट्विन पायलट लैंप्स, जिसे रॉयल एनफील्ड टाइगर लैंप्स कहता है। और यहाँ पे जो स्विच गियर है और जो हैंडल बार है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है एंड इसमें क्लासिक स्टाइल्ड रेट्रो लुकिंग क्रोम वाला मिरर्स दिया गया है राउंड शेप का। हैंडल बार जो है वो स्ट्रेट है, आप एक अपराइट पोजीशन में यहाँ पे बैठ सकते हैं। मीटर कंसोल वही सेम पहले जैसा ही है, इसमें आपको एक लो फ्यूल इंडिकेटर एबीएस इंडिकेटर मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें आपको कोई भी फ्यूल लेवल इंडिकेटर आरपीएम इंडिकेटर यहाँ पे नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि अभी रॉयल एनफील्ड को जिस तरह से कॉम्पिटिशन आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा इनको और भी बेटर लुकिंग और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट कंसोल देनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम टैंक पे आते हैं तो ये एक बड़ा सा टैंक है 13.5 लीटर्स का और इसके ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ मिल जाएगा और एक टैंक पैड भी मिल जाएगा। टैंक पैड आप जब बाइक चलाते हैं तो आपका जो थाई है उसको एक अच्छी तरह का सपोर्ट दे देता है। अब दोस्तों, अगर हम सीट पे देखें तो सीट पहले जैसा ही स्प्लिटेड सीट्स है और जो राइडर सीट है उसके नीचे आपको स्प्रिंग्स मिल जाएगा। ये आपको बेटर कम्फर्ट दे देता है, जबकि अगर आप ब्रोकन रोड्स पर चलते हैं तो ये आपको अच्छी तरह का कुशनिंग भी दे देगा। पीछे आप देखें तो पीछे भी एक रेट्रो लुकिंग कंप्लीट एक हैलोजन सेटअप है। पीछे कोई भी एलईडीज यहाँ पे नहीं है और आरी का ब्रांडिंग भी आपको सीट के पीछे और कई जगहों पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बाइक आप ये ऐसा ही एक बाइक है कि आप इसको बहुत अपने तरह से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसका एग्जॉस्ट बदल सकते हैं, आप काफ़ी कुछ इसमें बदल सकते हैं। बाइक इस तरह से बनाया गया है। अब दोस्तों, द हार्ट ऑफ द बाइक इंजिन जो है वो बिल्कुल ही सेम है। ये एक सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड ट्विन स्पार्क कार्बोरेटेड इंजन है 346 सीसी का और इसका जो पावर है वो है 19.8 bhp एंड टॉर्क है 28 न्यूटन मीटर्स। 5 स्पीड गियरबॉक्स इसमें दिया गया है और इस जो इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट परफॉर्म करता है 80 to 100 के जो स्पीड है उससे ऊपर आप ले जाएंगे तो ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपको इसको 80-90 के स्पीड में ही उसके अंदर रखना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये आप स्प्रिंग्स देख सकते हैं, ये मेटल स्प्रिंग्स है और दोनों ही तरफ आपको स्प्रिंग दे दिया गया है ताकि आपको ऑप्टिमम सीटिंग कंफर्ट मिल जाए। अब दोस्तों, हम अगर इसकी टायर्स की बात करते हैं तो टायर्स आपको दोनों ही ट्यूब टायर्स मिलेंगे स्पोक व्हील्स के साथ और फ्रंट में आपको 90/90 एंड पीछे 110/80 का टायर मिलेगा। फ्रंट में आपको 19 इंच का टायर और पीछे 18 इंच का ट्यूब टाइप टायर्स मिलेगा। ABS आपको दोनों ही तरफ मिल जाता है, फ्रंट में और बैक में। और फ्रंट में आपको 280mm का डबल पिस्टन कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक एंड पीछे 240mm सिंगल पिस्टन कैलिपर वाला डिस्क ब्रेक मिल जाता है। डिस्क ब्रेक से आपका ब्रेकिंग और भी पहले से बेटर हो जाएगा। फ्रंट में आपको 35mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे गैस चार्ज 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिल जाता है विद एडजस्टेबल प्रीलोड। अब दोस्तों, अगर हम इसकी व्हील बेस की बात करते हैं तो 1370mm इसका व्हील बेस है और इसका अगर हम माइलेज की बात करते हैं तो अगर आप इसको आराम से चलाते हैं, अगर आप इसको एक 40, 50 या फिर 60 के अंदर चलाते हैं
तो सिटी और हाईवे मिला के आपको 35 से लेकर 40 किलोमीटर्स के बीच माइलेज मिल जाएगा। अब दोस्तों, रॉयल एनफील्ड कोई भी परफॉर्मेंस बाइक नहीं है, ये एक रिलैक्स मूड में चलाने का एक क्रूजिंग मशीन है। तो बहुत लोग इसे ज़्यादा रेव करते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा रेव मत कीजिए, अपने लिमिट्स में ही चलाएं, ताकि इससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ये आपको मिड रेंज जो RPM है, RPM का जो मिड रेंज है 4000 से लेकर 6000 RPM में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस ये दे देगा। और दोस्तों, अगर हम कॉन्स की बात करते हैं, तो कॉन्स मुझे लगता है कि अभी इसमें और भी थोड़ा सा फीचर्स दे देनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन में जो कॉम्पिटिशन है इंडियन मार्केट में, वो पहले से ज़्यादा टफ हो गया है। अब इसकी सीट हाइट है 800 mm, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि 135 mm है, और भी 10-15 mm ज़्यादा होता तो बेटर होता। कर्ब वेट 192 kg। अब इसका एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता में 1.53 lakhs है, यानी कि 1,53,000। दोस्तों, यही था एक छोटा सा रिव्यू। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।